Good afternoon. So, we are again here for discussion of the previous year mains questions. And uh, we have been discussing previous year mains questions from Indian economy section. Till now, we have covered agriculture part and some other topics also. So, today in that series, we have next topic as food processing industry. Very important topic uh, from prelim and mains point of view. अगर आप देखें प्रीवियस ईयर तो पिछले चार पाँच साल में मतलब फोर टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्ड ऑन फूड प्रोसेसिंग एंड इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक टॉपिक एंड यू कैन अगेन 2019 में भी क्वेश्चन आया था 2020 में भी क्वेश्चन आया इस बार भी क्वेश्चन आया एंड सिमिलर टाइप क्वेश्चन आर बीइंग आस्ट ठीक है तो ये हम चार क्वेश्चन हैं लेकिन चारों क्वेश्चनों में आप देखेंगे देर इज अ कॉन्टीन्यूटी And uh, uh, these four questions, basically, require a good understanding of the whole sector itself uh, in the uh, context of Indian economy. So, 2015. What are impediments in marketing and supply chain management? In marketing and supply chain management. In, the, in developing the food processing industry in India. Right? अब ये देखिए ना वट डायरेक्टिव जो है आपका एक तो है वट इसके अंदर वट सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्वेश्चन समझने में द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव क्लियरली बिकॉज देन ओनली द सब्जेक्ट मैटर कैन बी ट्रीटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अब क्वेश्चन उसने वट पूछा है वट आर द इम्पेडिमेंट्स दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव आंसर वैल्यू जजमेंट और वैल्यू एनालिस क्या इमेडिमेंट है राइट सेकेंड पार्ट है कैन फूड हेल्प ओवरकमिंग दीस बॉटल एक्स अब यहां पर सेकेंड जो डायरेक्टिव है आपका वो है कैन अब कैन यस yes भी हो सकता है और कैन नो no भी हो सकता है. है ना तो इस करके यहाँ पे दोनों फ्लिप साइड आएंगे कि कैन ई कॉमर्स हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बॉटल नेक्स मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से आपका लिंक्ड है है ना तो बेसिकली आपके तीन पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के ध्यान से देखा जाए तो पहले तो आप इम्पेडिमेंट्स लिखोगे कि इम्पेडिमेंट्स क्या हैं इम्पेडिमेंट्स है ना एंड सेकेंडली आप लिखोगे कि कैसे ये ई e कॉमर्स जो है कैन ओवरकमिंग दिस बॉटल नेक्स जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकता है और नो no लिखोगे एंड में कि क्या इसमें लिमिटेशन भी हैं ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स इज दी दोल्यूशन फॉर ऑल इविल्स या ऑल प्रॉब्लम्स है ना आपको ये इसका इसका मतलब क्वेश्चन को आपको तीन पार्ट में इसको डील करना है ना आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं मोस्टली दे आर होवरिंग अराउंड दी प्रॉब्लम्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया है ना अब देखो जनरली हम देखें अगर इफ यू टॉक इन टर्म इफ यू टॉक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो इट्स इट्स अ सब पार्ट ऑफ दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया जिनका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आता है वी कॉल दैम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो दो तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं फूड और नॉन फूड वन टाइप ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दो विच आर विच विच आर प्रोड्यूसिंग एडिबल थिंग्स विच वी कंज्यूम तो जो फूड बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जो टेक्सटाइल सेक्टर इट इज़ एग्रो बेस्ड बट इट इज़ नॉन फूड सेक्टर वेर एज इफ यू टॉक ऑफ डेरी दिस बेकर इंडस्ट्री रेस्टोरेंट फूड चेन्स दे कम अंडर फूड प्रोसेसिंग ठीक है तो ये फूड प्रोसेसिंग का जो पार्ट है इट इज इंटीग्रेटली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर तो जब भी हम इसमें हम बात करते हैं मार्केटिंग सप्लाई चेन की तो कहीं ना कहीं उसकी बैकवर्ड लिंकेज एग्रीकल्चर पे आती है है ना बैकवर्ड लिंकेज उसकी एग्रीकल्चर से जाती है फार्मर से जाती है जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूस उससे जाती है इसमें बस इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है हमने डिटेल में लेक्चर में कर रखा है जो मेरा इकोनॉमी का कोर्स है उसके अंदर डिटेल में ये हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिस्कस किया उसकी पूरी सप्लाई चेन डिस्कस करी है एंड व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वो हमने डिटेल में डिस्कस किया एंड सोल्यूशन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड ठीक है ना सो माई एम्फोसिस ऑन इन दिस एंडेवर इज़ टू ट्रेन यू हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस है ना मेरा एंडेवर uh, आपको कंटेंट बताना नहीं है बिकॉज आप में से कई लोगों ने हो सकता है इकोनॉमी ना करियो तो स्टिल यू शुड बी कैपेबल ऑफ डिसिफरिंग द क्वेश्चन तो जब भी करोगे तो आपके दिमाग में घूमेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन को कैसे डिसिफर करना है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूपीएससी पी जो फर्स्ट स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मुझे करना क्या है है ना अब सेकंड स्टेप पे आएगा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है है ना स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो इसमें देखिए अगर पीछे जाए तो दो बातें हैं इसके अंदर मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये दो बातें इसमें पूछी हैं ठीक है, है ना तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मार्केटिंग रिलेटेड क्या है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज क्या है क्या इम्पेडिमेंट्स हैं ये जो है इम्पेडिमेंट्स विच आर हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ठीक है ना तो क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू राइट दउन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन आप कॉन्टेक्स्ट इस क्वेश्चन का है आप ब्रीफली एक इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एक लाइन इस पर लिख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्या है सो इट इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन द कंटेक्सट ऑफ वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर बट ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पीपल चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स ऑफ पीपल है ना तो ये आपका प्रोड्यूसर परस्पेक्टिव हो गया और ये आपका कंज्यूमर परस्पेक्टिव हो गया इसी को आप बेसिकली इसी को ही एक्सप्लेन किया जाता है है ना जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं सप्लाई चेन की बात करते हैं उसके कुछ फ़ायदे प्रोड्यूसर को होते हैं और कुछ फ़ायदे कंज्यूमर को होते हैं है ना तो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को फ़ायदे होंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदे होंगे है ना समझ पा रहे हैं बात आप तो अल्टीमेटली ये कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है अगर है तो उसको ये टैकल करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि आप प्रोड्यूसर की बात कीजिए और कंज्यूमर की बात कीजिए और प्रोड्यूसर कंज्यूमर से लिंक हो रहा है थ्रू मार्केटिंग है ना सिस्टम बस यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं आपको एंड क्वेश्चन कैन बी इजली डन जस्ट ये तो मैंने साइडलाइन पे आपको बताया है? है ना तो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो एंड योर मेन बॉडी मेन बॉडी स्टार्ट्स विद ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप देखिए क्वेश्चन ये आपका 200 सौ वर्ड का क्वेश्चन है तो लंबा क्वेश्चन है तीन पार्ट लिखने हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बीटिंग अराउंडी बुश नहीं करना है यहां पे है ना तो आप कंटेक्स बनाओगे इम का है ना कि पोटेंशियल इज ह्यूज है ना पोटेंशियल इज ह्यूज एकदम नहीं पेडमेंट स्टार्ट कर सकते हो बट इट्स हिंडर्ड ड्यू टू सम इम्पेडिमेंट्स आपने एक इंट्रोडक्टिव लाइन है कि कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो रुकी हुई है या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है जितनी रिक्वायर्ड है ठीक है तो इसमें इम्पेडिमेंट्स आप वन टू थ्री फो की फॉर्म में लिख सकते हो क्या इम्पेडिमेंट्स हैं राइट मार्केटिंग में क्या इम्पेडिमेंट्स हैं चाहे वो रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है स्टोरेज की प्रॉब्लम है पैकेजिंग की प्रॉब्लम है है ना या उसकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है मार्केटिंग और सप्लाई चेन के कंटेक्स में पूछा है तो ये आपकी पांच तरह की प्रॉब्लम है कि हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस क्या बन रहा है क्या उसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है ये बड़ी प्रॉब्लम है एक कि टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज़ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में और स्टोरेज की प्रॉब्लम है कोल्ड चेन्स नहीं है क्योंकि इसको हर पॉइंट पे स्टोर करना पड़ता है रॉ uh, मटेरियल को चाहे फिनिश प्रोडक्ट को तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं है ना और वैल्यूडेशन जो है कि फार्मर वैल्यूडेशन करे प्रोड्यूस में उसमें उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लैंड लीजिंग जो आजकल अरेंजमेंट ये बन रहे हैं बेसिकली वो बैकवर्ड लिंकेज की फॉर्म में है, है ना एंड देन पैकेजिंग की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉपरली पैकेजिंग होकर आ रही है है ना फिर फार्मली ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आपको बहुत हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए होता है इनका आपको स्पेशल वैन्स चाहिए है, स्पेशल कोल्ड स्टोरेज वैंस चाहिए रेफ्रिजरेटेड वैन्स चाहिए कई जगह पर है, है पे। ना तो कई चीजें हैं इसके अंदर तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स इम्पेडिमेंट्स हैं एंड हाउ दिस अब सेकेंड पार्ट है कैन अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैन ई कॉमर्स अब ई कॉमर्स जब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करोगे तो व्हाट डिफाइन करोगे व्हाट इज ई कॉमर्स व्हाट इज ई कॉमर्स इन दिस फील्ड एग्जाम्पल्स दोगे कि कैसे बिग बास्केट और ये सारी चेंज जो हैं दे आर प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल इन बट यू से इन दिस डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिकॉज ये अब आपको बताना है कि ये ई e कॉमर्स जो है ये कौन से इम्पेडिमेंट्स दूर कर रही हैं विच इम्पेडिमेंट्स दे आर रिमूविंग रिमेंबर वन थिंग ई कॉमर्स कहा है उसने तो स्पेसिफिक आपको बहुत बच्चे ये इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी इससे ऐसा नहीं है ई e कॉमर्स क्या करता है इट इज फैसिलिटेटिंग बेसिकली ट्रांसफर ऑफ थिंग्स फ्रॉम बट उसे प्रोड्यूसर है ना दो तरह से देखिए ई कॉमर्स करता है एक तो है डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से चीज़ें ले रहा है फार्मर से सपोज उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है अपने नेटवर्क के थ्रू ठीक है ना एक तो डायरेक्ट इस सेंस में अगर ये डायरेक्टली करता है तो इट इज़ गुड इट कैन रिमूव लॉट ऑफ थिंग्स बट लेकिन इसकी पोटेंशियल लिमिटेड है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग लिमिटेड है ई कॉमर्स कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं कर सकता इट इज़ प्रोसेसिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट इट इज़ प्रोसेसिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट जैसे आप बिग बास्केट ले लो या जो भी फूड ब्रांड्स हैं जो ई e कॉमर्स में हैं हैव स्टार्टेड या रिलायंस रिटेल चेन है इन सब ने क्या किया अपनी दालों की आटे की अपनी अपनी इन्होंने यूनिट्स लगा लिए हैं कि उसकी सेनिटाइजेशन करके पॉलिश करके पैकेजिंग करके दे रहे हैं अब जहाँ ये डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हैं वहाँ तो सप्लाई चेन में फ़ायदा हो रहा है उसके इम्पेडिमेंट्स दूर हो रहे हैं बिकॉज यही पैकेजिंग कर रहे हैं सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और उसकी करके पैकेजिंग करके कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं है ना ये तो है डायरेक्ट आपकी अब सेकेंड है इनडायरेक्ट अगर ये जो ई कॉमर्स पीपल दे आर इनडायरेक्टली प्रोक्योरिंग द थिंग्स फ्रॉम ट्रेडर्स अगर ट्रेडर से ले रहे हैं और ट्रेडर से लेके फिर वो प्रोसेसिंग uh, कर रहे हैं इसकी और फिर वो बेच रहे हैं कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं देन बेनिफिट इज लेस बिकॉज यहां पे फिर एक हरारकी ऑफ ट्रेडर्स मिडल हो जाता है इस्टेब्लिश कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर को उतनी प्राइस नहीं मिल पाती फिर राइट गुड आफ्टरनून ठीक है ना तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन टैकल करना है येस और नो डायरेक्ट में कैसे हेल्प करेगा इनडायरेक्ट में कैसे हेल्प करेगा ये अगर आप लेक्चर डिटेल में सुनेंगे तो आप लोकेट कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या इसमें करना है देन फाइनली यू हैव द कंक्लूजन आपको कंक्लूजन देना है आपको कंक्लूजन में क्या से दे सकते हो आप कि नॉट ओनली ई कॉमर्स अदर इनिशिएटिव्स आर आल्सो रिक्वायर्ड सिर्फ ई e कॉमर्स होने से कुछ नहीं होगा फूड पार्क्स बनने चाहिए है ना स्पेशल जोन्स बनने चाहिए जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हों फूड प्रोसेसिंग के लिए देन फार्मर को एजुकेट करना है एक लाइन आप लिख सकते हो देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज स्ट्रेंथन करनी है तभी देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी जब तक एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ हम लिंक नहीं करेंगे तब तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में कभी भी नहीं बढ़ सकती जब तक फार्मर बेचारा फार्मर बन के जिएगा तब तक आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक फिनोमिनल ग्रोथ की फॉर्म में नहीं दे सकते ये सब आएंगे पॉइंट कि इम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है ये बढ़ सकती है पर ये इंपेडिमेंट्स पे है देखिए ये क्वेश्चन वो नहीं है ये यहाँ इसने पूछा है इसने ये नहीं पूछा कि इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है लोगों की इनकम बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। देखो यही 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 देट इज़ वॉट एम दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते आपको देखो उसने कहा इन डेवलपिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इसने बेनिफिट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया फॉर द इकोमी या पीपल नहीं पूछा इसने इसने बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है कि इंपेडिमेंट्स क्या है इन डेवलपिंग फूड एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अम्पेडिमेंट दैट इज एन आउटकम ये इंपेडिमेंट नहीं है समझा कि प्रेरणा आर यू क्लियर अबाउट इट एक बार यस करो इंपेडिमेंट नहीं है ये यूपीएससी की खास बात यह है कि वट एवर इज आस्ट यू हैव टू राइट दैट अगर आप उस पर फोकस करके लिखते हो वर्ड्स वैसे ही कम होते हैं सो इफ यू फोकस ऑन वट हैज यू विल टेन टू गेट मोर मार्क्स जहां आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन uh, हटा और आप कहीं और ही चल पड़ेगा आंसर आपका किसने बेनिफिट्स फॉर द इकोनॉमी नहीं पूछा आउटकम्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं पूछा है क्वेश्चन इज वेरी प्रिसाइस ठीक है चलिए कंक्लूजन के अंदर आपको लिखना है यहां पे ये आपको कंक्लूजन बता दिया मैंने कि सिर्फ ई e कॉमर्स नहीं और भी इनिशिएटिव्स चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक है जी एक 2017 में क्वेश्चन आया ये हैव यू चलो नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट सेम क्वेश्चन है अल्टीमेटली ये हाउ विल द फूड प्रोसेसिंग बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर यहां आ गया अब आपकी बात वो अब यहां पे इफेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात आ रही है अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि डायरेक्टिव कौन से हैं पहले और आप याद रखिए सिर्फ दस नंबर का क्वेश्चन है ये यू टू राइट जस्ट वन फिफ्टी वर्ड इन इट वट है वट आर द रीजन्स तो फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा डार्क कर दो ये चल रहा है ठीक ना कनेक्टेड है पूरा डायरेक्टिव इसमें वट आता है तो वट आर द रीजन्स तो आपको वट लिखना है रीजन्स कोई वैल्यूडेशन नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है कि ये रीजन्स हैं भाई फॉर द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट चलिए आगे करते हैं इसको एंड हाउ सेकंड डायरेक्टिव इज हाउ दैट मीन्स यू हैव टू राइट द प्रोसेस एंटायर प्रोसेस अब हाउ एंड वट पे मेरा लेक्चर है एक मेन्स आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर कि वट का क्या स्कोप होता है हाउ का क्या स्कोप होता है हाउ टू राइट आंसर ऑन हाउ और मैंने आपको वहाँ बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि सबसे जो डेंजरस डायरेक्टिव है आउट ऑफ ऑल डायरेक्टिव अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेंजरस डायरेक्टिव uh, और जो फ्रिक्वेंटली यूपीएससी यूज करती है वो हाउ है कैसे हाओ नॉर्मली no, बच्चे वेन एवर दे आर आस्ट क्वेश्चन ऑन हाउ दे एंड अप राइटिंग वट एंड दे आर गेटिंग जीरो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन तो हाउ के ऊपर लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आप बार बार सुने है ना और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर तो हाउ लिखना हमारे को मतलब यू हैव टू राइट द प्रोसेस कि कैसे ये करेगा ठीक है ना अगर वो हम कहते हैं आउटकम में कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा इनकम बढ़ाएगा अगर हम कहते हैं तो ये लिखना इनकम बढ़ाएगा इनकम कैसे बढ़ाएगा यू टू राइट द एंटायर प्रोसेस कि इससे क्या होगा कि उससे ये होगा उससे ये होगा उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी हाउ पूछा है इसने ठीक है ना तो दो आपके क्वेश्चन हैं ये हाउ विल द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वी हेल्पफुल इन दी अब देखो यहाँ पे हाउ के अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती इसने पूछा है कि कैसे करेगा इसने ये नहीं पूछा कैसे नहीं करेगा जरूर थोड़ी है कि सब कुछ यू जो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर फार्मर्स सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हो जाएगा और भी थे और भी बहुत चीज़ें हैं भाई है ना बहुत बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं ना और भी देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पुअर फार्मर लेकिन उसने यहाँ नहीं लिख देना आपने अपना ज्ञान नहीं आपने निकालने लग जाना कि सब कुछ अब सब कुछ निकाल दो ज्ञान यहीं पर एक ही क्वेश्चन में सब बता दो डालो और यूपीएससी खुश हो जाएगी और नंबरों की बरसात कर देगी है भाई क्वेश्चन <laughs> क्या पूछा है अब यहाँ हाउ पूछा है तो आपको सिर्फ फोकस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही करना है है ना आप देखिए ना इसकी मेन बॉडी पे आते हैं इंट्रोडक्शन हमने लिखनी है अगेन आप एक इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसकी इंट्रोडक्शन एक बड़ी हेल्पफुल रहेगी है।, है ना अब मेन बॉडी में आप लिखोगे अब ये स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट अभी इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है मैंने लेक्चर में भी बहुत एम्फोसाइज किया विध डाटा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी है कि इट इज डोमिनेटेड बाय माइक्रो पब्लिक मिनी इंडस्ट्रीज स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा हैं है अनऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल एंड दे हैव अ लो कैपिटल इंटेंसिव लो कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर कि घरों में ब्रेड बन रही है छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेड बन रही है है ना छोटे छोटे यूनिट्स में बिस्कुट बना रहे हैं लोग मैसिव कितनी बिस्कुट्स की कदम्शन है देखिए और कितने बड़े यूनिट हैं है ना अब जो आप ब्रांड्स भी खाते हैं कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं जिनको बहुत बड़ा यूनिट नहीं कह सकते हैं, बड़े भी हैं बट छोटे बहुत सारे हैं है ना अब देखिए बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार द्वारा पढ़े, पोअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इसके कारण क्या वट आर द रीजन फॉर दुअर एक्सेप्टेंस अब आपका रीजनस आ गए रीजन्स आ गए वन टू थ्री अब रीजन्स वही उसी फॉर्म में आएगा सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल कि रॉ मटेरियल उनको टाइम पे नहीं मिलता बिकॉज स्मॉल यूनिट्स हैं दे के नॉट एस्टैब्लिश अ प्रॉपर सप्लाई चेन सेकेंडली अगेन क्वालिटी एस्पेक्ट, क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकेजिंग स्टोरेज प्रॉब्लम है ना देन प्राइस प्रॉब्लम एंड दीज आर इन दी कंटेक्सट ऑफ दी अनऑर्गनाइज करैक्टर ऑफ द अनऑर्गनाइज करैक्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्लस एबसेंस ऑफ अटटेबल सप्लाई चेन लिंकेजेस ये मैंने बहुत डिटेल में कराए लेक्चर में क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं यूनिट्स की जो अनऑर्गेनाइज हैं उस कंटेक्सट में कि वो क्या क्वालिटी नहीं कर सकते स्टैंडर्ड और सेकेंडली एबसेंस ऑफ सप्लाई चेन लिंकेजेस भी हैं कि हमारा जो सारी सप्लाई चेन लिंकेज है फूड प्रोसेसिंग की वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कंटेक्स में नहीं बनी हुई तो उनको वो फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड हैं छोटे छोटे बिखरे हुए हैं तो दे के नॉट गेट क्वालिटी सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ अब देखिए कोई भी अगर जोन बनता है सपोज एक जोन बना फूड फूड पार्क बनाया अब फूड पार्क में क्या होता है कि सारी इंडस्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर तरह की एक जगह लोकेटेड है तो यहीं पैकेजिंग यूनिट सेट हो जाते हैं यहाँ कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी बन जाते हैं यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग भी फैसिलिटी एक लैब बन जाती है तो ये सारे यूनिट्स को एक्सेस होता है इन सब चीज़ों का सो दे कैन एवरी टाइम दे कैन गेट स्टैम्प देयर प्रोडक्ट स्टैम्प विच गेट ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट आप मानोगे नहीं मेरे पास एक ब्रेड है मैं पहले एग्जाम्पल भी दिया आई गॉट अ ब्रेड ब्रेड की एक्सपायरी डेट कल की थी प्रोडक्शन पिछले कल की थी जब उसको खोला गया ब्रेड को वो अंदर से खराब निकली अब देखो वो यूनिट जो है वो स्मॉल स्केल यूनिट है वो उसके पास कोई मतलब कोई अब देखो मेरा तो फेथ हिल गया ना कि यार ये तो ठप्पे कुछ भी लगा सकते हैं फिर पुरानी ब्रेड आ रही है नहीं बिकी वो उस पर दोबारा ठप्पा लगाया फिर आगे दोबारा ठप्पा लगाया फिर आगे अब लीगल रेमेडी क्या है मेरे पास मैं क्या पकड़ूँ किसको जो मैन्युफैक्चरर है वो मुकर जाएगा जी मेरे तो है नहीं ये तो पायरेटेड है ये तो ग, 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 गलत करी हुई है किसी ने मेरा तो बैच ही नहीं है वो बैच ही नहीं मिलेगा उसके डिस्पैच बैच ही नहीं मिलेगा उसकी फैक्ट्री से जब कितना सब हर बैच का रिकॉर्डिंग होती है कितने यूनिट गए कितने नहीं सब हर फैक्ट्री को रखना पड़ता ही है ये सो दैट डेटर ऑन इट कैन बी ट्रेस्ड कि इस बैच का प्रोडक्ट आपका खराब था एक बात है है ना अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि कैसे ये हाउ इट विल अब देखिए अब ये सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है हाउ कि हाउ इट विल सॉरी यहीं कर देते हैं हाउ इट विल इम्प्रूव दिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द अर फार्मर अब यहां पर पहले आपको डिफाइन करना है हु इज अ पुअर फार्मर पुअर फार्मर कौन है अब देखिए यहां पर उसने जनरल नहीं दिया ये ध्यान से समझने वाली बात है पुअर फार्मर की बात पूछ रहा है वो वो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंट्रप्रोर चला रहा है उसकी बात नहीं कर रहा यह सारे प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहा है सारे प्रोड्यूसर्स जो रॉ मेटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उसमें से भी एक छोटा कंपोनेंट जो पुअर फार्मर्स का है जो अब पुअर फार्मर में क्या आता है द पुअर फार्मर में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये मैं टीनेंसी के कंटेक्ट में बोल रहा हूँ जो जिनके पास अपनी लैंड नहीं है बट दे टेक लैंड फ्रॉम अदर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये वो जो मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है विद इंडस्ट्री उसके कंटेक्स में नहीं है टीनेंसी के फॉर्म में है ये सेकेंडली इसके अंदर स्मॉल फार्मर आ जाते हैं जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है या फिर इसके अंदर आ जाते हैं आपके मार्जिनल फार्मर क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स को भी कई एरियाज में पुअर फार्मर कह दिया जाता है बिकॉज वहां पे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है है ना अगर फॉर एग्जांपल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज इफ़ देयर इज अ मार्जिनल फार्मर ही मे बी अर्निंग हैंडसम बट इन ऑल अदर एरियाज मार्जिनल फार्मर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज विल बी ट्रीटेड एज अ थिंग और थर्ड इसके अंदर लिबरली और पुअर फार्मर को लिबरली देखा जाए तो इसके अंदर एग्रीकल्चरल लेबर को भी ले लेते हैं नो no, कोई जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ उससे कोई हार्म नहीं है एग्रीकल्चर लेबर को भी इसके अंदर लेने का सो so पहले आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि पुअर फार्मर्स इन इंडिया इंक्लूड द फार्मर्स हु आर एंगेज इन हु तो आर स्मॉल और मार्जल इन नेचर हैविंग देयर ओन लैंड और ऑन टेंसी एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड एग्रीकल्चर लेबर कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड अंडर पुअर फार्मर्स हाँ बढ़ते जा रहे हैं तो ठीक है ना तो अब इसकी इनको क्या बेनिफिट होगा अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगती है तो क्या बेनिफिट होगा इनको देखो एक तो ये वैल्यूडेशन uh, इनकी एग्रीकल्चर में होगा है ना तो इनकी इनकम बढ़ सकती है बढ़ सकती है देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है कि दे मोर एम्प्लॉयमेंट देन एनसिलरी एनसिलरी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है एनसिलरी एम्प्लॉयमेंट जो फूड प्रोसेसिंग के साथ और चीज़ें हैं सफाई की जैसे अब अब भाई देखो सिंपल सी बात है अभी गेहूँ है गेहूँ होगा है ना चलो गेहूं का ले लो आप एग्जाम्पल या कोई आम का ले लो ए, माजा है माज़ा आम का जूस बेच रहा है अभी वो क्या करेगा अब वो क्या करेगा भाई ट्रेडर से आम उठाएगा और आम का जूस निकालेगा हाफुज आम और उसको बेच देगा तो जो उसकी सारी ग्रेडिंग है सेग्रीगेशन है उनका अपना यूनिट है जिसमें वो आमों की सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि ये इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएंगे इस तरफ़ जाएंगे अब वही देखो अगर फार्मर के एंड पे अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं देर आर नंबर ऑफ सच प्लेयर्स हु आर इन टू दिस जूस मार्केट तो फार्मर अपने यूनिट छोटे सेपरेशन uh, का यूनिट लगा सकता है जिससे और इनसेलरी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो लोगों को एम्प्लॉय करेगा कि ठीक है ये सेग्रीगेशन करेंगे हम हम अच्छी क्वालिटी का आम इस रेट पर बेचेंगे थोड़ी मीडियम क्वालिटी के इस रेट पर बेचेंगे और स्माल क्वालिटी अभी क्या है पूरा ठेका होता है कि पूरा बाग ही ले लिया है ना कोई सर जैसे हमारा बाग है सपोज है ना वी आर गिविंग अ होल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पूरा इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि भाई इतने का उसमें अच्छा आम भी है मीडियम भी है बेकार भी है तो लेकिन अगर वो इस एग्रीगेट करके बेचा जाए तो बेनिफिट्स कैन बी मोर तो उससे फार्मर की इनकम बढ़ सकती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एनसिलरी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी है ना और जो सप्लाई चेन है वो और फर्दर स्ट्रेंथन होगी है ना इसके कोलेक्ट्रल बेनिफिट होंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगी डेवलपमेंट होने से फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट या जो ग्रोथ और ग्रोथ भी होगी और मोर तो ऐसे स्पायरलिंग इफेक्ट चलेगा पूरी इकॉनमी के लिए और उससे फार्मर्स को और बेनिफिट होगा बस ये लिखना है इसमें क्लियर हो गया ये बाकी इसको अच्छे से अगर आपने आ, वैसे तो इससे बहुत रीजनेबली अच्छा आंसर तैयार हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ वो ये स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि मुझे लिखना है क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ये 19 में क्वेश्चन आया इलेबरेट द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट दी चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वही सेम क्वेश्चन देखो तीसरी बार वही क्वेश्चन आप हैरान हो गए क्वेश्चन ही मेजर जो है और मैंने लेक्चर में भी ये बोला था कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम problem है प्रॉब्लम्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वही क्वेश्चन के अराउंड होवर अराउंड करके क्वेश्चन पेपर में आता है अगर आगे भी क्वेश्चन आएगा तो होवरिंग इसके अराउंड ही होनी है है ना कंटेक्स डाल देंगे कि भैया ठीक है इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू फॉर्म लॉज अब आपको पता है कि फॉर्म लॉस क्या कर रहे हैं बेसिकली सप्लाई चेन के कौन 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 से आ, आस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं वो समझ चाहिए बस आपको अब यहाँ डायरेक्टिव क्या है इलेबोरेट मुझे कोई जजमेंट नहीं देनी है भाई इलेबोरेट करना है बस अब यहाँ कोई मुझे एंड कॉन्स नहीं देने हैं पॉलिसी के अगर मैंने दिए तो नंबर कटे तो डायरेक्टिव इज इलेबोरेट इलेबरेट में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है है ना टेकन बाय द गवर्नमेंट टू तो मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन मैं आपको कराई चुका हूं है ना फ्रॉम प्रोड्यूसर परस्पेक्टिव क्या चैलेंजेस हैं देन कंज्यूमर परस्पेक्टिव और तीसरा मार्केटिंग आ जाता है है ना तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कंडूसिव बने ये वैल्यू एडिशन हो एग्रीकल्चर में फॉर्म लॉज आए है ना फिर मार्केटिंग परपजेज़ के लिए वो स्टैंडर्डाइजेशन पैकेजिंग फूड पार्क्स बन रहे हैं मतलब पैकेजिंग और अपना अपना कोल्ड स्टोरेज है ना तो ये सारे इसकी अलग अलग स्कीमें हैं गवर्नमेंट की ये मैंने क्लास में कराई हुई हैं ये आपको करनी है एलेबोरेट करना है आपको सारा है ना और फिर मेगा फूड पार्क स्कीम है डोमेन स्कीम है जो वो कराई हुई है उसी कंटेक्स में सारा आता है ये फिर कंज्यूमर तक समारने के लिए सप्लाई चेन है कि ई e कॉमर्स को एफ डी अलाउ किया गया है इसके अंदर है ना रिटेल सेक्टर में तो स्टैंडर्डाइजेशन काउंसिल ये वो चीज़ें जो हैं जो कंज्यूमर को बेनिफिट करती हैं तो अल्टीमेटली ये सारे स्टेप्स आपको गवर्नमेंट के लिखने आसान क्वेश्चन बना जाएगा ये बट लेकिन आपका तैयार होना चाहिए कि हाँ क्या क्या ओवरऑल है कई तो बार होता क्या है कि इसमें ना आपको अपना आंसर बनाना होता है इफ़ यू सी नंबर ऑफ़ बुक्स और साइट्स आप देखोगे तो ये अगर अब इसने ना सेक्टर का पूछा है पूरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नहीं पूछा सिर्फ पूरा सेक्टर एज अ होल पूछा है सेक्टर के अंदर फिर कंज्यूमर भी आ गया सेक्टर के अंदर प्रोड्यूसर भी आ गया अगर सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो वो यूनिट आ जाता है फिर वो कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सेक्टर यस इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट पॉलिसीज पे मेन एन्फोसिस रहेगा और प्रोग्राम्स डेफिनेटली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स क्योंकि जो प्रोग्राम्स हैं दे आर पार्ट्स ऑफ पॉलिसीज ओनली किसी पॉलिसी के तहत ही प्रोग्राम आते हैं जैसे मेगा फूड पार्स स्कीम है प्रोग्राम है कि लेकिन पॉलिसी भी है एक ये तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपज पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैव टू बी प्रोग्राम इन दिस आंसर ऑल द किसी और कंटेक्स में मैं इसको डिफ्रिशिएट भी कर सकता हूँ कि पॉलिसी पूछी है सुबह एजुकेशन पर पूछ लिया अब यही क्वेश्चन अगर एक कोई क्वेश्चन होता पॉलिसी ऑफ बाय द गवर्नमेंट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सेक्टर तो वहां पर यह नहीं मैं प्रोग्राम लिख दूंगा वहां पॉलिसी और प्रोग्राम में डिस्टिंक्शन है बट बेसिकली इन द केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर द प्रोग्राम रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जहां एक फुल फुलज पॉलिसी नहीं होती डू वी है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पॉलिसी इन इंडिया ओवरऑल पॉलिसी चाहे ना हो तो उस कंटेक्स में जो प्रोग्राम्स हैं वही पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं बट अगर किसी सेक्टर में एक ओवरऑल पॉलिसी एग्जिस्ट करती है चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है चाहे एजुकेशन पॉलिसी है चाहे हेल्थ पॉलिसी है तो आपको पॉलिसी के कंटेक्स में आंसर लिखना है फिर ये क्लियर होगी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना अब यहां क्वेश्चन में कैच क्या है मीट दी चैलेंजेस आपको हर जो हेडिंग आप बना रहे हो यहाँ थोड़ा सा चैलेंज लिखना है कि प्रोड्यूसर लेवल पे क्या चैलेंज है और कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी उसको टैकल कर रही है मार्केटिंग के अंदर क्या चैलेंजेस हैं और कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी टैकल कर रही है कंज्यूमर को क्या चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे टैकल कर रही है तो यहाँ पर रेफरेंस टू चैलेंजेस आना चाहिए यही कैच है इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है चलिए अब देखिए 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो भी वही है ध्यान से देखें वट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर्स भी सब्सटेंशियली इंक्रीज बाय इंकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब आप समझ ही पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया ये कंटेक्स तो फॉर्म लॉज ही है अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे से हमने आठ दस लेक्चर लगा दिए हम लोगों ने क्लास में तो कुछ बचा नहीं है उसका तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे फार्म लॉस को इट इट इज सीन इन द कंटेक्सट ऑफ वैल्यूडेशन रा कंटेक्सट ऑफ सिंपली चेंजिंग द मार्केटिंग एंड ऑल जो मिस अंडरस्टैंड किया जा रहा है अगर मेरे से पूछा जाए और अगर हम एक अल्टीमेट अनालसिसिसिस की फॉर्म में देखें तो फॉर्म लाइफ हैव टू बी सी इन दिस कंटेक्स इन द कंटेक्सट ऑफ फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स रादर दैन द बैकवर्ड लिंकेजेस तो जनरली जो एजुटेशन हो रही है वो बैकवर्ड लिंकेज को लेकर हो रही है ना कि फॉरवर्ड लिंकेज को लेकर तो बैकवर्ड लिंकेज में अप्रिहेंशंस आ गए कि हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा जबकि ऐसी कोई बात कहीं दिखती नहीं है हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है बट होता है चलो ये भी एक एस्पेक्ट है आजकल सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग की आपको लोगों को एश्योर तो कराना ही पड़ेगा सिक्योर तो बनाना ही पड़ेगा इफ़ दे आर फीलिंग सो तो दोस अप्रिहेंशन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ हाउ सो एवर मिस प्लेस दे मे बी और मिसअंडरस्टूड दी इट इज ए ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक दम सिक्योर एंड मेक दम फील सिक्योर है ना अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है डायरेक्टिव क्या है डायरेक्टिव अब इसमें करना क्या है वट है तो मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर आएगा और वट में क्या लिखना मुझे? Challenges है मुझे चैलेंजेस लिखने एक तो चैलेंजेस में आपको लिखवा चुका हूँ टक 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 और सेकंड इसमें नई चीज़ है कि ऑपरचुनिटीज क्या है ऑपरचुनिटीज क्या है अब यहां पे नई बात आ गई व्हाट आर द चैलेंजेस चैलेंजेस लिख दिया आपने एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ये दो अलग अलग चीजें हैं अब कई बच्चे चैलेंजेस लिख के खत्म कर देंगे अपॉर्चुनिटीज जूम कर लेंगे होगी नहीं नहींचुनिटीज अलग है अपॉर्चुनिटी किस चीज से आती है चुनिटी किस चीज से आती है क्या इंडिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की ऑपरचुनिटी है ऑपरचुनिटीज क्या क्या है ऑपरचुनिटीज hmm? किस कंटेक्स में करोगे आप अब ऑपॉर्चुनिटीज होती हैं बेसिकली एक्सटर्नल की बाहर क्या ऑपॉर्चुनिटीज हैं इफ यू टॉक ऑफ वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑपर्चुनिटीज थ्रेट स्ट्रेंथ्स आर इंटरनल सॉरी स्ट्रेंथ्स आर वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है ना तो अपॉर्चुनिटीज आर इन दंटेक्सट ऑफ द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज की बाहर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं बेसिकली व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अब इसके अंदर आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्टर्स ले सकते हो मतलब प्रोडक्ट्स के केस में कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी बट दे कैन बी डेवलप्ड विद इन द कंट्री चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं चाहे वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स एससेट्रा एट्सेट्रा कई चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिकन कॉर्न जो हम बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रक्योर कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन वी कैन प्रोड्यूस विद इन सेक्टर ऑल्सो ठीक है ना देन सेकेंड इज अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कि क्या हम जो चीज़ें चाहिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या कैपिटल अवेलेबलिटी है तो वी हैव एन एफ एरेबल लैंड हमारे पास बहुत लैंड है बहुत हमारे पास मॉइस्चर अवेलेबल है हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में ये भी मैंने आपको क्लास में कराया है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये पूरी स्लाइड सी अपॉर्चुनिटीज पे कि अपर्चुनिटीज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के सामने क्या है तो इंसीडेंटली वही दो हज़ार बीस में क्वेश्चन आ गया है ना तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको ये देखना है कि इतनी बड़ा हमारे पास लैंड मास है एंड एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इज देयर चाहे वो गर्मी है चाहे वो फ्रोजन एरिया है तो दिस क्रिएट्स ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कि कोई भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं है ना देन अपॉर्चुनिटीज इन द कंटेक्सट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि क्या वो लोग हैं जो डिवेलप कर सकते हैं है ना तो वो वो अपॉर्चुनिटी है कि हर वी आर अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी हम इंडिया को एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी मानते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल अगर हम देखें इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट तो देर आर सो मैनी दिस गैज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सो इफ दैट 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 प्रोवाइड्स देखो एक तो होता ना कि लोग ही नहीं है जो एग्रीकल्चर कर सकते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा हैं लोग उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हाँ ठीक है आप एक घर में पांच मेंबर हैं दो दो इसमें लग गए दो इसमें लग गए दो इसमें लग गए तो ये भी है कि वी हैव अ गुड ह्यूज पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज टू डेवलप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ठीक है ना ये हो गया एंड सेकेंड आपका जो पार्ट आएगा इसमें चलो तो यहीं डिस्कस कर दिया मैंने और हाउ ये हम हम कर चुके हैं कि हाउ द फार्मर अब यहाँ फार्मर आ गया अब यहाँ पे फार्मर को डिफाइन करोगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल भी है और बिग फार्मर भी है कमर्शियल फार्मर भी है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी है तो थोड़ा सा इसको क्योंकि 150 वर्ड का है ठीक है ज़्यादा लिख नहीं सकते है ना अब हमें यहाँ इनकम के कंटेक्स में लिखना कि इनकी इनकम कैसे बढ़ेगी और कैसे इनकम बढ़ सकती है इट इज़ ये भी डिस्कस वी ऑलरेडी डन है ना वैल्यू नैल्यूडिशन न्यू प्रोडक्ट्स बेटर प्राइस डायरेक्ट सेल है ना तो उससे इनकम बढ़ेगी वेरी सिंपल क्वेश्चन लिखना बस यही है कि भाई अगर फार्मर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जाता है विच आर यूटिलाइजेबल बाय द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसकी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी एंड फॉर दैट पर्पज अगेन यहाँ नहीं उसने कुछ पूछा साइलेंट है है ना अदर प्रोवाइजर्स क्या है कि हाँ इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती या नहीं कर सकती वेदर एक फार्मर क्वालिटि प्रोडक्ट बनाएगा नहीं बनाएगा अब आप सोच के देखो जो ये ट्रेडिशनल वीट एंड राइस है बेसिकली उससे क्या प्रोसेसिंग करोगे आप उसका प्रोसेसिंग उस उस कनक का सिर्फ मैक्सिमम आटा बना लो आप और क्या कर लोगे उसका बताओ बिकॉज क्वालिटी सो लो वही देखे ना आम हम कहते हैं आम इतना इंडिया में आम होता है लेकिन आप माजा पीते हो तो माजा में ऐसा नहीं कोई भी आम का पल्प लग जाएगा वेरी सिलेक्टेड मैंगोस आर देयर हुज पल्प कैन बी यूज इन माजा तो बेसिकली आप आपकी जो प्रोडक्शन है चाहे फ्रूट्स की है वेदर इट इज़ बीग ओरिएंटेड अराउंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि जो इंडस्ट्री है दैट विल एजुकेट द फार्मर कि आपको ये बीज या ये चीज़ें यूज करनी है सो so दैट इस तरह का प्रोडक्ट हो और हमारे काम आ सके अब एक आम आप दशहरी आम उगा रहे हो उसका क्या फूड प्रोसेसिंग में कितना यूज कर लोगे आप कुछ नहीं होता वो उसको स्टोरेज करना ही मुश्किल है लेकिन वहीं अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग करें तो उसकी मतलब वैल्यूडेशन एट प्रोड्यूसर स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट विल एंड दैट विल ट्रिमेंडसली इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स ठीक है जी तो ये हो गया आपके चार क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग प्रीलिम में कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक तो इस पर फूड प्रोसेसिंग पे बट लेकिन हाँ मेंस में क्वेश्चन में ये चार पूछे गए हैं अभी तक और वैसे भी आना चाहिए देखिए एग्रीकल्चर पे कोई भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर ग्रोथ पे तो इनवेरिएबली वो घूम फिर के आपकी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात आएगी आएगी अगर आप फॉर्म लॉज भी एनालिसिस करते हो क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तब भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात आनी आनी है नाउ डेज वट एवर वट एवर वे यू टॉक ऑफ एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू इनोवेटिवली कमिंग दैट ठीक है ना एनीथिंग एल्स होप इट इज अंडरस्टूड नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे अब विल मूव टू इंडस्ट्री तो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के वहां लगे हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं चार क्वेश्चन आए हुए हैं चार या दो, दो या तीन क्वेश्चन आए हुए हैं फूड प्रोसेसिंग फॉर एग्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे सो यू कैन ट्राई दोस ट्राई करना करके स्ट्रक्चर ही बनाऊ अपनी कॉपी में फिर देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ वेदर यूअर राइट इन डेवलपिंग दैट स्ट्रक्चर सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम हैव टू मेक यू इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट कि आप खुद कर सको क्योंकि पेपर में आपने आंसर लिखना है मैंने नहीं तो इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट टेक योर हाफ एन आवर और वन आवर आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल देखो वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कौन से आए हैं लेक्चर के साथ टेस्ट हैं वो अपना छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाओ जैसे ये बनाएं फिर कंपेयर करो कि मैंने जो डिस्कस किया उसके साथ सारे कॉम्पोनेंट गए थे स्लोली एंड स्लोली योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू सोर कि हाँ वट एवर आई वॉज थिंकिंग सर इज ऑल्सो थिंकिंग द सेम मैनर अब मेरी ट्यूनिंग हो रही है ठीक है तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी ऑल्सो मैं आई आर से भी क्वेश्चन लूंगा सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन लूंगा ऑल दो आई मे नॉट बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेकिन आई एम एक्सपर्ट इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन उतना मैं कर सकता हूं आपके लिए कॉन्टेंट इज इट कॉन्टेंट कैन भी बट लेकिन क्या कॉन्टेंट एक्वायर करना है अब देखो ना ये चार क्वेश्चन अगर आपने सुन लिए समझ आ गया आपको अब आप जब भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ोगे आपको आपको एक फोकस रहेगा कि हाँ यार मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप जो स्पूरियस वीडियोस भरे पड़े हैं नेट पे आप आपका ध्यान हटेगा नहीं कि यार क्वेश्चन वही प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट पॉलिसी चैलेंजेस को रिवॉल्व करके आना है लेकिन वहाँ क्वेश्चन मुझे खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा वो छोटे छोटे वर्ड्स डाल देंगे अपॉर्चुनिटीज डाल दी पुअर फार्मर्स डाल दिया है ना उसी में आपको घुमा देंगे बस और जिसने पकड़ लिया मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया है? जो थर् सेकेंड डिग्री का अच्छा वाला क्वेश्चन थर्ड डिग्री का बन जाता है बाई इंट्रोडक्शन ऑफ जस्ट स्पेसिफिक वर्ड्स वहाँ पहले क्वेश्चन में मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डाल दिया उसी कंटेक्स में बताना है और फिर पुअर फार्मर डाल दिया है ना? तो वहां फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डाल दिया फिर वहाँ पे स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया वर्ड तो आप ये समझिए कि बड़ा ही फोक फिर वो बहुत सब्जेक्ट मैटर से फोकस्ड बन जाता है और वो तभी पॉसिबल है जब अगर आपने सब्जेक्ट मैटर को समझा है और हर क्वेश्चन में चाहे पॉलिटी ले लीजिए चाहे फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए सब छोटी छोटी बातें ही मैटर करती हैं यूपीएससी में

तो आप यू कैन सब्सक्राइब टू दैट फुल कोर्स अगर आपने नहीं किया है एंड यू कैन देन प्रिपेयर अलॉन्ग विद दिस लेक्चर्स विल कंटिन्यू टिल योर मेन्स चलते रहेंगे ये ऐसे कुछ ना कुछ हम इसमें करते रहेंगे ठीक है सो गुड लक एंड विल सी यू अगेन ऑन सैटरडे द नेक्स्ट लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ग्रोथ थैंक यू